हेलो दोस्तों, मैं हूं सिराज अंसारी। दोस्तों, यहां पे रोलर है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। 2 मिनट में आपको रोलर को जो है सिखा देता हूं, फाइनली जो है सीख जाओगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रोलर के पास आते हैं और आपको सारा डिटेल जो है बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे हमारा जो है सिकंदर भाई है, रोलर कितने दिन से चला रहे हैं? 6-7 साल हो गए। आप कंपनी अभी चला रहे हैं? अच्छा, तो आप कितने दिन में सीखे थे? एक हफ्ते में सीखे थे? हाँ, एक हफ्ते में। अच्छा अच्छा, एक हफ्ते में सीखे थे। चाहे तो कुछ ज्यादा सा दिमाग लगावे या फिर कुछ एक्स्ट्रा करे, वो ज्यादा ज्यादा 2-3 दिन में ही सीख जाए कम्प्लीट हो जाए। और इनका फंक्शन समझने के लिए आपको 1 से 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप सीख सकते हैं। इसका सिस्टम कुछ नहीं, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए, पहला बात है कि जो तरीका जो बताने वाला जो रहता है, उस तरीके से अगर चलेंगे तो तुरंत सीख सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप 6 महीना 4 महीना 3 महीना आप टाइम लगे, उससे कोई ये नहीं है। आप 2 मिनट में चाहे तो सीख सकते हैं और पर्सनली इस मशीन पे बैठ करके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं सिस्टम। तो चलिए पूछताछ करता हूँ सिस्टम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड है इसका और यहाँ पे जो है स्विच है इसका। जैसे चाबी ऑन करोगे, यहाँ पे जो डिस्प्ले पे यहाँ पे लाइट आ जाएगा। इस तरह से सारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल से इंडिकेट करेगा आपका, और इसके बाद रीडिंग यहाँ पे इंडिकेट करेगा। और ये जो है आरपीएम मीटर है, और आपका देख सकते हैं मशीन अभी बंद है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप का जो है रेड बटन लिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है बटन पे। यहाँ पे देख सकते हैं लोगो नजर आ रहा है, खरगोश, किसी किसी में खरगोश और कछुए का रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बटन, आप खरगोश की तरफ दबाएंगे तो आपका मशीन जो है थोड़ा सा तेजी चलेगा। इसके बाद आप कछुए की तरफ दबाएंगे बटन तो आपका जो मशीन है वो थोड़ा धीमी चलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से फंक्शन है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है अपने हिसाब से लो और हाई कर सकते हैं स्पीड को। इसके बाद यहाँ पे जो है दोस्तों, ये बटन का है वाइब्रेशन, हाई लो कर सकते हैं। ऊपर दबाएंगे तो हाई होगा, नीचे तो लो होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन है पावर स्टीयरिंग, ज्यादा आपका पावर करेगा। यहाँ पे जो बटन ऑन करेंगे तो आपका जो है स्टीयरिंग जो रहता है वो ज्यादा काम करेगा, मतलब टर्निंग का। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका सिंपल है, सिर्फ लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे का बटन लाइट का है और ये पीछे का था, लेकिन यहाँ पे टूट चुका है। और इसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे आ जाना है, ये मेन फंक्शन है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ध्यान देने की बात है, ये जो है हैंड एक्सेलेरेटर है। तो इस एक्सेलेरेटर को देख सकते हैं, अभी यहाँ पे 0 लेवल पे, जैसे यहाँ पे दबाएंगे ये हाई लेवल पे एक्सेलेरेटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हॉर्न का दिया है निशान, देख सकते हैं ये हॉर्न है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है पावर ब्रेक है। जब तक ये बटन को दबाएंगे नहीं, आपका सिस्टम नहीं चालू होगा। यहाँ पे जब आगे पीछे करने के लिए बटन को दबा दें, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रेड बटन आएगा नजर, यहाँ पे जो है हैंड ब्रेक है इमरजेंसी। आप यहाँ पे इमरजेंसी हैंड ब्रेक ऊपर उठा करके दबा करके देख सकते हैं, आपका लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है रिवर्स, फॉरवर्ड और न्यूट्रल जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर एक बटन भी दिया होगा स्विच। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, जैसे ही आप फॉरवर्ड कीजिएगा या फिर रिवर्स कीजिएगा, इस बटन को आप जैसे दबाएंगे, आपका जो है रिवर्स फॉरवर्ड जाएंगे, उस टाइम आपका वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है इसको सीखने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, आप कम से कम 1 या 2 दिन में कंप्लीटली फाइनल सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, और मैं वीडियो लगातार भेजता रहूंगा। ज्यादा यहाँ टाइम होने की वजह से मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया। अगर सिराज अंसारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।